नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भव्यदीप भाटिया है और आज मैं आपसे अपने 10 साल के तजुर्बे के बेस पर एक ऐसी वार्तालाप करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको शॉर्ट टिप्स दूंगा। ये मेरा खुद का तजुर्बा है जिन 10 सालों में मैंने IIT-JEE के और AIEEE के तमाम स्टूडेंट्स को हैंडल किया है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। दोस्तों, पहली टिप डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एक ऐसा फैक्टर है, अगर आप डिटर्मिंड हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और डिटर्मिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने ट्रैक पे रखेगा और आपको अपनी मंजिल अचीव करने में अंत तक मदद करेगा। टिप नंबर 2, रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ फेलियर और लर्न मोर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो फेलियर्स पे टूट जाते हैं या फिर उस समय सीखना छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से बोलूँगा कि यदि आप फेल होते हैं तो उस समय ज़्यादा सीखें, उस समय आप ज़्यादा बल्कि सीखते हैं, ये स्वभाव है ह्यूमन का। रेडी टू फेस फेलियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड ये मैं आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग कर रहा हूँ जिसके बेस पे इन फ्यूचर आप इस बात को ध्यान रख सकें कि फेलियर जो है हमेशा सक्सेस के लिए आता है और वो सक्सेस दे के ही जाता है। ये बात श्योर है, ये मेरा खुद का तजुर्बा है और आप किसी भी और भी तजुर्बे का आसपास इंसानों से पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि हमेशा फेलियर्स जो है सक्सेस को अचीव करवाते हैं। नंबर 3, ब्रेक योर सिलेबस। ब्रेक योर सिलेबस से मतलब ये है कि आप अपने सिलेबस को पर डे टारगेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उसको थोड़े थोड़े अपना शेड्यूल बनाइए पूरे साल का, और या फिर क्वार्टरली बेसिस पे अपना शेड्यूल बनाइए और उसके हिसाब से सिलेबस को पर डे के बेस पे कितना आपने प्रिपेयर करना है, कितने कॉन्सेप्ट्स को हैंडल करना है, कितना चैप्टर हैंडल करना है, उस हिसाब से ब्रेक करके पर डे के बेस पे, पर डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक दिन का टारगेट अचीव जो होगा वो साल का जो है अचीवमेंट बन जाएगा। तो ब्रेक योर सिलेबस इनटू पर डे सिलेबस एंड देन यू विल सी योर सक्सेस इज़ वेरी नियर। नेक्स्ट नंबर 4, योर सोसाइटी शुड बी पॉजिटिव। आपके आसपास के जो आपके दोस्त लोग हैं, आपके जो आसपास की आपके सोसाइटी है, आपके जो कलीग्स हैं और खासकर आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे हो सके तो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। दोस्तों की भी ज़्यादा बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पॉजिटिव सोसाइटी रखें जहाँ पर दोस्त आपको मोटिवेट करें तो बहुत अच्छा है, परंतु ऐसा जनरली होता नहीं है। आज की डेट में हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में जैसे लगा रहता है, जैसे कि आजकल माहौल है, तो अपनी सोसाइटी को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर कीजिए और उसको पॉजिटिव रखिए। अगर आप कहीं पर भी डीमोटिवेट होते हैं और उस डीमोटिवेशन में आप कोई गलती कर जाते हैं और कोई ऐसा सुसाइडल टेंडेंसी वाला स्टेप उठा लेते हैं तो वो बहुत घातक होता है, आप ही के लिए नहीं आपके पेरेंट्स के लिए भी। तो सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपकी सोसाइटी में मोटिवेशन होना चाहिए, आप आपस में एक दूसरे के साथ लगाव होना चाहिए सो दैट आप लोग एक दूसरे को पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सके। नंबर 5, कीप कंसल्टिंग एटलीस्ट 2 फैकल्टीज ऑफ सब्जेक्ट और मोर। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक फैकल्टी के ऊपर तो रिलाई कीजिए, डेफिनेटली गुरु से ही ज्ञान मिलता है, परंतु आपको कभी कभी लगता है कि अगर उनसे आपको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो दूसरे गुरु से भी हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप ले सकते हैं। परंतु जनरली ऐसा देखा जाता है कि IIT-JEE के जो फैकल्टीज़ होते हैं इनमें ईगो का जो होता है काफ़ी आप कह लीजिए कि समावेश होता है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमारा स्टूडेंट इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो जनरली ये आपको अपनी स्मार्टनेस के बेस पे देखना है कि आप जो है एक से ज़्यादा फैकल्टीज़ की अगर मदद लेते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करने में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ग्लानी भाव अपने मन में लेके आने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है एक क्या दो क्या तीन फैकल्टीज़ को भी इवन तक कंसल्ट करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके आते हैं, ना कि कन्फ्यूज़ होकर आते हैं, सॉल्व करके आते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव्ड है। नंबर 6, बी कंसिस्टेंट टू फॉलो योर सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसिस्टेंट नाम का जो शब्द है यहाँ पर वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है, रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, रेगुलर हैं, तो डेफिनेटली आप अपने सिलेबस को पर डे पे अचीव करते ही जाएंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है आपके आपकी तैयारी का, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। आप देखेंगे साल के अंत में आप काफ़ी आगे निकल गए हैं। नंबर 7, नेवर बी इमोशनल रादर बी प्रोफेशनल एट योर अप्रोच। जब आप किसी भी कंसेप्ट को समझें, किसी भी चैप्टर को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उस समय आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप इमोशनल होकर ना उसे समझें। इमोशनल से मेरा मतलब होता है कि कई बार हम लोग जो होते हैं बेसिकली पेरेंट्स के दबाव में भी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। पेरेंट्स के दबाव में बताइए, कंसेप्ट को फ्रेश माइंड से बिल्कुल प्रोफेशनली समझिए। बिल्कुल प्रोफेशनली समझने के बाद आप उसकी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे।
और कंसेप्ट फर्स्ट की अप्रोच के साथ काम कीजिए। तो दोस्तों ये जो 7 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं आईआईटी जेई के दौरान और या AIEEE की तैयारी के दौरान, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आपको कोई भी आपको रोक नहीं सकता है और आपकी सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। पर जो मैंने आपको ब्रेन की कंडीशनिंग के बारे में बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर से डरना नहीं है आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि माँ बाप के सपने ज़रूर होते हैं, पर कभी भी माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए सुसाइडल टेंडेंसी जैसी खतरनाक या डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार ना बने। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और IIT-JEE या AIEEE जो है ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव नहीं है, परंतु डट कर तैयारी कीजिए, डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी कीजिए, और जैसे मैंने आपको ये 7 टिप्स दिए हैं अपने तजुर्बे के बेस पे इसको फॉलो कीजिए। मैं आपको लिखित में देने को तैयार हूँ, आप डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आगे भी आपसे मिलता रहूँगा इसी तरह के कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।